हेलो नमस्ते सस्रेकाल अदाब मेरी तरफ सबको एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं कर रहा हूँ जिस टाइम कुफरी, टाइम हो गया 12:15। कल का व्लॉग दिखाया था आपको रिवर वाटरफॉल का, आज मैं खड़ा हूँ हिमालयन नेचर पार्क कुफरी के बाद। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ बेसिकली कुफरी जू, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे बनी है कुफरी हिल स्टेशन में। अंदर चलते हैं, 50 रुपीज़ इज़ अ टिकट फॉर 1 पर्सन। हम 4 जाने हैं तो हम लोग जाने वाले हैं कुफरी जू। अंदर दिखाएंगे आपको क्या क्या है। आसपास का माहौल देख लिए, थोड़ा क्लाउडी हो चुका है, थोड़ा ठंडा भी है यहाँ पे, पर अप्रैल के मंथ में इतनी ठंड तो जायज़ है। तो अब चलते हैं आपको अंदर लेके। टिकट काउंटर, ठीक है जी, 50 रुपीज़ इज़ द टिकट फॉर 4 पर्सन। तो ये सारा जा रहा है जी जू की तरफ, आपको दिखा रहे हैं आज कुफरी जू। इस ब्लॉग में बहुत रेयर प्लेसेस है जो लोग यहाँ पे आते हैं देखते हैं इसको। तो ये सारा बर्ड एरिया है, आप देख सकते हैं इसमें वो बना रखे हैं सैंपल्स होते हैं जो। तो ये सब देख सकते हैं आप, असली हैं ये, रिजर्व किए हुए जंगल कैट। ये देखो सारे, ये बिल्कुल जू की एंट्रेंस पे है और ये सारे प्रिजर्व किए हुए हैं। तो ये सारे, मेरे मुंह से सैंपल्स निकल गया था, मतलब क्या बोले इसको, मेरे को लगा नकली है सारे, तो सैंपल ही हुए। वाइट पिजन, ग्रीन पिजन और सारे देख सकते हैं आप, कॉटन टील, ये भी प्रिजर्व किया हुआ, ये भी ओरिजिनल है, कश्मीरी स्टैग। कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो कश्मीरी स्टैग है दोनों। और इधर भी सांबर, हिमालयन, तो ये सारी तरफ है। इसकी लुक देखो आप, उतरने को हो रहा है नीचे। ये भी सारे, ये सारे आपको मिलेंगे कुफरी जू की एंट्रेंस में, ब्यूटीफुल। तो ये था जी मेन एंट्रेंस, जो पहला सेक्शन है वो ऐसा है जहाँ पे बर्ड्स वगैरह प्रिजर्व कर रखे हैं। अब ये देखो जी यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। खलीज पीजन, चेयर पीजन, मोनल, वेस्टर्न ड्रैगोपन, मस्क डियर, ब्राउन बियर, हिमालयन टार, कॉमन लेपर्ड, ये सारे यहाँ पे मिलेंगे। और ये डूज एंड डोंट्स लिखे हैं जो आपको जू में नहीं करने, आप पढ़ सकते हैं आप आगे। इधर से जू ये जो शुरू हो रहा है वो 900 मीटर तक का है, ये एग्जैक्ट 900 मीटर बाद हो जाएगा, लगभग 1 किलोमीटर के बाद एग्जैक्ट है। तो ये गाइडलाइंस हैं, इनको पढ़ सकते हैं आप, बेसिक गाइडलाइंस जो सारे जू में होते हैं, डोंट फीड द एनिमल्स, ये वगैरह जो भी है, डोंट फीड द एनिमल्स, और संग नहीं करना बेसिकली, वो वैसे भी नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तो बेचारे पहले ही कैद हैं। वैसे तो मेरे को जू वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं होते क्योंकि आई डोंट लाइक एनिमल्स जो है ऐसे कैद करके रखे हों फॉर डिस्प्ले पब्लिक लोगों के लिए, है ना। तो ये बड़ा एक क्रुएल्टी है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़, क्योंकि जानवर हमेशा जंगल में रहते हैं और वो बड़े उदास हो जाते हैं ऐसे इनक्लोज्ड उसमें रह के। तो ये बार्किंग डियर 20 मीटर, तो ये पहला जानवर है हम देखने वाले हैं, बार्किंग डियर उधर है, वो घास खा रहे हैं, जूम करके आप देख सकते हैं उसको। दिस इज बार्किंग डियर, द वेरी फर्स्ट एनिमल ऑफ कुफरी जू। यू हेयर मी बार्क जस्ट लाइक अ डॉग, इट्स माय अलार्म कॉल टू द प्रेडेटर नेक्स्ट डोर। तो ये बार्क करते हैं जैसे डॉग बार्क करते हैं। यहाँ पे सांबर डियर, हिमालयन मस्क डियर, और ये सारे देखेंगे हम। डेंजर जोन, डू नॉट टच, हाई वोल्टेज लिखा हुआ है उस पर। तो ये देखो वहाँ पे एक डियर है, वैसे तो ये नेचर में रह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ठंड बहुत है, लेकिन यहाँ पे हमें तो लग रही है, उनको पता नहीं लग रही है नहीं लग रही, लेकिन इनका बहुत ही इनक्लोज सा एक एरिया है जिसमें इनको रखा हुआ है। तो यहाँ से एक सामने का पूरा व्यू ले सकते हैं, इनक्लोजर नंबर 1 है ये, वो दोनों वहाँ पे। ये देखो जी मेरे बिल्कुल पास आ गया, क्या बात है जट्टा, देखो बहुत सोना गाली देगा नखा, बहुत सोना फूड एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, बहुत प्यारा है। फूड मैं कहाँ से दे दूँ इसको, हमने तो खुद नहीं खाया सुबह से कुछ, बहुत चला गया डिसअपॉइंट होके, इसको पता लग गया इन्होंने नहीं कुछ खाया, भी निकल लिया वो कितनी तेज निकला। ये भी छोटा बच्चा है बिल्कुल, बहुत सोना, आजा, वेरी क्यूट ना, आजा आजा उरे जी, नाक देखो कैसे कर रहा है। तो ज्यादा बड़ा जू नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द हिल्स 900 मीटर भी बहुत होता है। कुफरी जू, बार्किंग डियर, यहाँ पे भी डियर है लेकिन ये कोई और डियर है, वहाँ दिखाएंगे, वो रोड से भी दिख रहे थे एक्चुअली। हमने गाड़ी पार की ना बाहर आके, तो हम लोग वहाँ खड़े थे, वहाँ से भी ये डियर स्पॉट हो रहे थे, काफ़ी डियर है यहाँ पे। सांबर इसको बोलते हैं, ये बड़े वाले हैं सारे मेरे ख्याल। हाइट इसकी लिखी हुई है, ठीक है जी, वेट 270 kg फॉर मेल और फीमेल का 230,
साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, वो रहे सामने, ग्रुप में हैं काफ़ी सारे हैं। ये पहले हैं जो काफ़ी ज़्यादा है, तो दिस इज सांबर, ये सांबर है जी। यहाँ से बिल्कुल पास का व्यू ले सकते हैं आप सांबर, बिजी ईटिंग, साइड से देख रहे हैं हमें। ये सांबर है जी, देखो अपना खाने में मस्त, स्मेल बहुत आ रही है इसमें, आ जाओ। यहाँ देखो कितने ज़्यादा है, इनकी स्किन को क्या हो रखा है, इनकी ऐसा लग रहा है चमड़ी सी उखट गई है क्या कुछ हुआ है। यहाँ से देखो इसको आप, छोटे बड़े सारे हैं इसमें, दो तीन चार पाँच छः सात। टिल नाउ बार्किंग डियर सांबर, वी आर होपिंग फॉर द लेपर्ड्स। एक मेल है बाकी फीमेल, भालू भी है इसमें, लेपर्ड भी है, वो मेन आपको दिखाते हैं आगे व्लॉग को, एंड तक देखना, स्किप मत करना, नहीं तो भालू और लेपर्ड रह जाएंगे। ये है जी हिमालयन गोरल, इधर है हिमालयन टाहर, ठीक है जी, इसको भी देखते हैं। स्पॉट करना पड़ता है एक्चुअली, ठंड है थोड़ी सी, इधर उधर बैठे होते हैं कहीं है। तो जू की खास बात ये है कि दिख तो जाते हैं, अनलाइक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, पर क्योंकि इनक्लोजर जो है वो छोटा है, लेकिन यहाँ भी ढूंढने पड़ते हैं। पर जो वाइल्ड लाइफ सफारी का मज़ा है वो जू में तो नहीं है, पर यहाँ यहाँ पे ठीक है, देख लो इनको, कुछ दिखा नहीं है अभी। नहीं, इसमें हिमालयन ओरे 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 ओरे, ये है हिमालयन कोरल, ये देख सकते हैं आप, लगभग एक जैसे ही हैं सारे कोरल, ये रे। तो एक डियर की स्पीशीज आप कह सकते हैं इसको, घास खा रहे हैं मस्त अपने बिजी, पूरे देखो है ना कितने प्यारे प्यारे हैं, मासूम से छोटे छोटे। ये भी है यहाँ पे, ये मेरे को लग रहा ऊपर है। सो ये देखिए गाइज, ये है हिमालयन थार, जो कि शायद अभी उठी है या उठा है व्हाट्सो एवर, और बहुत गुस्से में लग रहा है। ये क्यों कर रहा भैया ऐसे, करंट तो नहीं लग गया इसको? करंट नहीं है वो, उसको फन टाइम है। अब आए जी मेन जानवर जिसका हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार था, कार्निवोर सेक्शन अलग है। हिमालयन ब्लैक बियर 50 मीटर, कॉमन लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर, ये सारे इधर है। कार्निवोर सेक्शन है, ये अलग है, वो हर्बीवोर था, जो डियर वगैरह घास वगैरह खाते हैं, ये मांस खाने वाले हैं, जिनका सेक्शन अलग है। तो शुरू में जो जू के आया है वो आया जी हर्बीवोर, प्लांट ईटर्स, अब आएंगे मांस खाने वाले, शाकाहारी थे अब मांसाहारी आने वाले। नहीं तो क्या होता है, डियर और अगर लेपर्ड को पास पास छोड़ दो तो लेपर्ड के मुंह में पानी आता रहेगा, तो मेरे पास ही बिठा रखा है उसको, मिलवा नहीं रहे, और डियर भी नहीं खा पाएगा ढंग से कि लेपर्ड को आ जाए ना, तो ये थोड़ा हंसी मजाक हमारा चलता रहता है छोटा छोटा उम्र। वैसे बात तो ऐसी है कुछ, ये देखो लेपर्ड ऑन माई राइट ऊपर, तो ये मेरे राइट पे आ गया जी 13 नंबर बॉक्स, वो लेपर्ड है, वो देखो वहाँ पे सिर्फ उसके पैर पैर दिख रहे हैं, पूरा जूम इन करके वो देखो, वो दिख तो नहीं रहा है, थोड़ा वेट करेंगे अगर वो अपनी थोड़ी झलक दिखाता है तो। फोट गया जी वो देखो, पर अभी भी थोड़ा सुस्त है, उधर को पोज कर रहा है वो, देखो कितना क्लोजली आपको उसका चेहरा दिखा रहा है लेपर्ड का। चलो तो ये है जी कॉमन लेपर्ड, तेंदुआ बोलते हैं जैसे, ठीक है जी, एक ही है, दूसरा भी हो सकता है शायद, हो घास घूस में कहीं सुस्त पड़ा है वो, लेकिन करे भी क्या, वो कैद कर रखे हैं वो, इसके अंदर ही घूमते रहते हैं अंदर बाहर बस। एक लेपर्ड वो रहा जी सामने, बिल्कुल देखो इधर से, यहाँ से एग्जैक्टली दिखेगा भैया, हाँ यहाँ से देखो उसका व्यू आ रहा है बिल्कुल सामने, बैक से भी देख रहे हैं, बैक से देख रहे हैं वो लोग खड़े हुए हैं, उधर से दिखाएंगे आपको बैक साइड जाके। एक लेपर्ड वहाँ है, क्या है, अब आपको भालू दिखाते हैं। तो ये भालू का वो है, तो भालू दिख नहीं रहा है, लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर है, तो भालू के लिए देखो झूले झाले भी लगा रखे हैं अगर आप देखोगे, और एक ऐसा बना रखा है थोड़ा एडवेंचरस सा, तो भालू थोड़ा एडवेंचर किस्म का होता है, उसके लिए स्विंग बना रखी है अंदर, उसके अंदर कह रहे हैं कहीं है, अंदर तो नहीं हो सकता जब बंदा पेंट कर रहा है, या उसको कहीं और रखा होगा, बाड़ा तो उसका यही है। वहाँ तो भालू विजिबल हुआ नहीं, इसमें दिखाते हैं आपको, ब्राउन बियर, वेट 80 to 600 kgs मेल, 250 kg फीमेल, ठीक है जी, नॉर्थ अमेरिका के नेटिव हैं, अंदर दिखाते हैं आपको। वो रहा जी बिल्कुल अंदर देख सकते हैं, वो रहा ब्राउन बियर, हैवी ब्राउन कलर फॉर ऑब्वियस रीजंस, और वो देखो पीट करके लेटा हुआ है, वो रहा बहुत दूर है, बड़ी मुश्किल से स्पॉट हो रहा है, वो रहा दैट इज ब्राउन बियर नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसके उधर तो रोड ही है, बट अकेला सा लेटा हुआ है बेसारा सा,
है ना, क्या हो रहा है, कोई उसका वो नहीं। तो ये बैक साइड दिखा रहे हैं आपको लेपर्ड्स वाली, यू सी आर स्पॉट्स, दे आर रोजेट्स, नाउ टू ऑफ अस हैव द सेम जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट्स, ठीक है जी। तो ये रहा, यहाँ से क्लियर व्यू आ रहा है लेपर्ड का, बिल्कुल बैक साइड। ये अडॉप्ट भी कर रखा है, इसका नाम है शेरू, बलदेव ठाकुर ने, एक पीरियड एक साल हो गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। बलदेव ठाकुर जी ने इसको अडॉप्ट कर रखा है। ये रहा लेपर्ड, मतलब इसका खाना पीना ये वो जो भी होता है, बिल्कुल पास है लेपर्ड शेरू। तो शेरू से सुनता तो नहीं है, और जो भी है कुफरी जू में एक व्लॉग बना के दिखा रहे हैं, बर्ड सेक्शन भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो इधर का एरिया रहेगा वो भी दिखा देते हैं। वल्चर दिखाते हैं, कितनी बड़ी है ये देखो, लेपर्ड कैट, लेपर्ड कैट कहाँ है, लेपर्ड कैट, लेपर्ड कैट, लेपर्ड कैट, हो रही दो लेपर्ड कैट्स हैं देखो, ओ वाओ, लेपर्ड कैट है, बिल्ली, तेंदुआ बिल्ली, ये मैंने पहली बारी देखी है, काफ़ी बड़ी बिल्ली है, तो तेंदुआ फुल हैवी लेपर्ड जैसी, लेकिन उसका एक छोटा रूप, दो हैं, एक उधर है एक इधर है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है देखो, लेपर्ड कैट, तो पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में, हाइट वगैरह इसकी सब कुछ लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली लेपर्ड जैसी है, लेकिन उसका एक छोटा फॉर्म। और ये देखो वल्चर, हिमालयन ग्रिफॉन, ये कितने बड़े हैं, और यही हैं जो एक एक्टिव है, वल्चर भी कहते हैं इसे, ब्रैकेट में लिखा स्पीशीज नेम, ये रहा हिमालयन ग्रिफ, ये बहुत बड़े हैं, अरे बहुत ही बड़े नहीं है, उसकी देखो कितना खूंखार है, इसकी शक्ल देखो अगर आप ध्यान से, वो देखो शाही है, बहुत बहुत बड़ा, थोड़ा कैमरा शाय है ये, काफी लोग आते होंगे, इनकी आंखें बहुत मजबूत होती हैं, वीडियो फोटो बनाने के लिए इधर आ रहा है शाही, क्यों इधर आओ, अभी ऊपर चढ़ के दिखाएगा, वो देखो वो जा चुका है, ये देखो, वी फीड ऑन डेड मीट बट इट अपसेट आवर स्टमक, कितनी अच्छी लाइनें लिखी हैं खूबसूरत सी, बिकॉज आवर स्टमक एसिड दैट कैन डिजॉल्व एनीथिंग, तो इनका जो स्टमक का एसिड है बहुत स्ट्रांग है, तो ये इनकी स्टमक खराब नहीं होती डेड मीट खाने से। ये देखो खेल रहा है ये रस्सी से, ये देखो ऐसे बेचारे टाइम पास करते हैं, कैद हो रखे हैं, वो वहाँ जाके बैठ के अभी रस्सी को छीन रहा है पकड़ पकड़ के, और ये भी आ गया जी बर्ड सेक्शन, थोड़ा सा बर्ड सेक्शन भी बना हुआ है, दिखाते हैं आपको कौन से लिखा हुआ है, हाई वी आर ट्रैगोपैंस कन्फ्यूज, आई एम मेल, आई एम फीमेल, आ जाओ, ये सारा वेस्टर्न ट्रैगोपैन, ये लिखा है इसके बारे में, वेस्टर्न ट्रैगोपैन है इसके अंदर, ये पिजन खलीज पिजन चियर पिजन हिमालयन मोनल, ये सब इसके अंदर हैं, स्पॉट करते हैं इनको कहाँ है ये, मनु, तो ये रहा, ये भी अडॉप्टेड है, एनिमल नेम मनु, ठीक है जी। तो कैमरा भी लगे हुए इसके अंदर सीसी, वो देखो पीछे देख सकते हैं आप जूम करके, वो रहा मनु वहाँ बैठा है, ठीक है, उसका नाम है मनु, एक्सपर्ट है वेस्टर्न ड्रैगोपैन, ये है तीन, सिल्वर जेन, दिख नहीं रहा अंदर है शायद से उसके, वो पीछे ऊपर वाइट कलर का, बड़ा खूबसूरत है, तो अकेला ही है पर। आ गया जी अगला शियर फिजेन, ठीक है जी, यहाँ पे बैठे हैं दो इसके पीछे, तो बर्ड सेक्शन है, एक्टिव नहीं है ज़्यादा। ये आ गया जी रेड जंगल फाउल, जिसको अपन जंगली मुर्गा भी बोलते हैं, वो रहा भागने की तैयारी में फुल, एक ऊपर है, ये देखो कर रहा हूँ, इधर है चेयर पीजेंट, वो पीछे बैठा देखो, वो है, और एक इधर नीचे, अंधेरा काफी है इसके अंदर, ये देखो ये बिल्कुल पास से देख सकते हैं, घूम रहा है, इसका नाम है कलीज पीजेंट। तो देखो कुदरत है, कैसा कैसा डिजाइन बना हुआ है इनकी बॉडी पे अलग अलग, क्या बात है, बटर राइट, ये है जी मोनाल, वो देखो पीछे टॉप पे, दोनों ऊपर है वो, एक्चुअली ज्यादा पीछे ही बैठे हैं फेवरेट स्पॉट पे, स्टेट बर्ड थवेले, अच्छा ये हिमाचल का स्टेट बर्ड थवेले, इधर से देख सकते हैं दूसरे वाला भी, उसके बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा कलर बना हुआ गर्दन के पास, पीकॉक टाइप का,
ये था जी हिमालयन नेचर पार्क कुफरी। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, पहले जानवर ज़्यादा होते थे। बियर है, लेपर्ड है और बर्ड्स वगैरह हैं और डियर वगैरह, काफ़ी कुछ ऐसे तो देखने लायक है। वन टाइम विजिट तो है अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। काफ़ी ट्रैफिक थी, लोग थे काफ़ी अंदर और साउथ से ज़्यादा लोग आ रखे हैं। कुफरी हिल स्टेशन है तो अगर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में डालोगे तो ये आएगा हिमालयन ज़ू। पहाड़ों पर बना हुआ है ये, इसकी खूबसूरती है कि एक ज़ू है जो पहाड़ों पर बना हुआ है। मिनी ज़ू कह लीजिए, बड़ा ही खूबसूरत था। बाकी यहाँ से चलते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन दबा के। ठीक है जी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हिमालयन नेचर पार्क कुफरी। बाय बाय।